नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज के इस नए प्लान के साथ। और आज का जो प्लान बनाया गया है वो आपका 3 BHK हाउस प्लान। बहुत ही कम जगह में यहाँ पर 3 BHK हाउस प्लान को डिजाइन किया गया है। ओके, यहाँ से आप फ्रंट एलिवेशन देख रहे होंगे। फ्रंट में आपको कुछ स्टेयर प्रोवाइड की गई है, वहाँ से थोड़ा सा ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर इसको प्लान को डिजाइन किया गया है। ऊपर ग्रिल देख रहे होंगे छज्जे के ऊपर, आप चारों तरफ से रूफ को सेफ्टी के पर्पज़ से ग्रिल से कवर किया गया है। ओके, और छत पर भी एक छोटा सा रूम बनाया गया है, यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। और छत के ऊपर वाले सेक्शन पर डिजाइनिंग के पर्पज़ से कोण के अनुसार यहाँ पर रूफ लगाई गई है। ओके, सबसे पहले इसमें बात कर लेंगे चौड़ाई के सेक्शन की। तो चौड़ाई यानी कि आपका मेन एंट्रेंस ये आपका रहेगा 19 फीट का। ओके, और लेंथ वाइज सेक्शन बात कर लूँ तो लंबाई के सेक्शन में आपका रहेगा 35 फीट का। ओके, बात करते हैं कॉलम के सेक्शन की। तो साइड वॉल में आप देख रहे होंगे 5 कॉलम है। फ्रंट में आपके 3 कॉलम रहेंगे, 2 गेट के साइड में और एक आपका यहाँ पर फ्लावर रखा गया है, वहाँ पर आपका 3rd कॉलम आ जाएगा। ओके, सेम कॉलम आपके लेफ्ट साइड में रहेंगे और सेम कॉलम ही आपके पीछे वाली वॉल में प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, और इसका 2D प्लान भी मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप 2D प्लान भी पूरी तरह एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके ग्राउंड फ्लोर की तरफ चलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। ठीक है, अंदर चलते हैं। सबसे पहले स्टेयर का आपका एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस के बाद ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर पोर्च का सेक्शन। ओके, एक बार टॉप व्यू से दिखाता हूँ मैं। ये आपको मिलेगा पोर्च का सेक्शन। पोर्च का जो एरिया रहेगा आपका ऑलमोस्ट 10x9 का, सॉरी आपका 12x9 में आपका पोर्च का एरिया आ जाएगा। और पोर्च के एरिया से ही आपको यहाँ पर विंडो देख रहे होंगे। ऊपर जाने के लिए यहीं से आपको विंडो मिल जाएगी। ओके, 12x9 फीट के सेक्शन में उसको डिजाइन किया गया है। ओके, यहाँ से हम देखेंगे अंदर की तरफ चलेंगे तो अंदर तो आपको मिल जाएगा, पहले आपको राइट साइड में यहाँ पर मिलेगा ड्राइंग रूम का सेक्शन। तो ड्राइंग रूम का जो स्पेस है, यहाँ से अंदर चलेंगे तो वो भी आपको सेम है। यहाँ पर ये प्लान है आपका ड्राइंग रूम का स्पेस यहाँ पर दिया गया, ये भी आपका 12x9 में डिजाइन किया गया। ओके, यहाँ से एक विंडो आप देख रहे होंगे ये वाला, जो कि मेन रोड पर ओपन होगा वेंटिलेशन के लिए। चलिए इस बेडरूम से, इस ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं तो आगे चलेंगे आगे की तरफ। इस गेट से अंदर चलेंगे, अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको सबसे पहले एक बीच में गैलरी मिल जाएगी। ओके, और गैलरी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा किचन के एरिया। किचन का जो स्पेस है वो 8x5 फीट के सेक्शन में इसको डिजाइन किया गया है। यहाँ पर किचन का एरिया रहेगा, किचन का वेंटिलेशन का विंडो आपका यहाँ पर स्टेयर पर ओपन होगा। ओके, राइट में देखेंगे तो राइट में आपको मिलेगा फर्स्ट बेडरूम का सेक्शन। ओके, फर्स्ट बेडरूम के सेक्शन में इस गेट से एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट बेडरूम। और फर्स्ट बेडरूम का जो स्पेस है आपका 10x10 फीट के सेक्शन में इसको डिजाइन किया गया है। और इस रूम में भी आपका वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक विंडो दिया गया है, ये आगे ओपन होगा आगे। और ये जो आप गैलरी देख रहे हैं लॉबी टाइप में, ये रहेगा 3 फीट का सेक्शन वेंटिलेशन के लिए। ओके, अब ये किस किस के लिए वेंटिलेशन काम करेगा हम आगे देखेंगे। यहाँ से हम आगे चलेंगे, टॉप व्यू से देखते हैं एक बार। ये आपका आगे पोर्च, ड्राइंग रूम, यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम, लेफ्ट साइड में ये किचन का एरिया। किचन के साइड में आपको मिल जाएगा कॉमन लैट्रिन, अटैच रहेगा 5x5 फीट के सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया। ओके, लास्ट में 2 बेडरूम के सेक्शन आप देख रहे होंगे, ये आपके लास्ट के दोनों बेडरूम हो जाएंगे। 9.5x9 के सेक्शन में इनको डिजाइन किया गया है। ओके, दोनों का जो है एरिया अंदर का सेम है, और यहाँ से दोनों का एंट्रेंस रहेगा इन गेटों से। और इस गेट से आपको इस ड्राइंग रूम में, सॉरी इस बेडरूम में आपको वेंटिलेशन का भी यहाँ पर सुविधा मिल जाएगा, वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिए। ओके, और कॉलम की प्लेसिंग तो आपने देख ही ली होगी, तो आपका ये 3 कॉलम थे लास्ट के रूम में, यहाँ पे 3 कॉलम ये प्रोवाइड किए गए हैं। लेफ्ट साइड में आप कॉलम देख रहे होंगे, और ये 3 कॉलम सेंटर में और 3 कॉलम आपके फ्रंट के सेक्शन पे। ओके, चलिए एक बार इसका फ्रंट एलिवेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका फ्रंट एलिवेशन था। ओके, का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी तरीके से और छोटी फैमिली के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया। ओके, इसका 2D प्लान आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसा और कोई प्लान आप मुझसे बनवाना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।